हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स मेथड, अपर केस एंड लोअर स्ट्रिंग मेथड। तो ये वर्क कैसे करता है और क्या करता है? अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज करना है, अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है बट उसे अपर केस में चेंज करना है, तो आप टू अपर केस मेथड का यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके सामने ये है, तो आपका हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है स्ट्रिंग, उसको हमें अपर केस में चेंज करना है, तो आप टू अपर केस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम यूज़ करके देखते हैं। और हमें पता है कि चीज़ें स्क्रिप्ट लिखनी होगी हमें, तो जावा स्क्रिप्ट लिखने से पहले हम स्क्रिप्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग आपके टैग हैं दो, इसके बाद आप स्ट्रिंग मेथड लिख सकते हैं। वेरिएबल आप लगाएंगे, अगर आपको ए लिखा हुआ है और आपने लिखा हुआ है पूरी पढ़ाई, इसके बाद आपका एक वेरिएबल ले लेते हैं बी, और ए डॉट, अभी आपको अपर केस में चेंज करना है टू अपर केस, ये मेथड लगा दिया आपने। इसके बाद हमसे हम प्रिंट करा लेंगे आपके बारे में से विंडो, या फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट कराना है आपको, बी राइट कराना है। तो इसको हम सेव कराएंगे, सेव हम करा रहे हैं जावास्क्रिप्ट लोअर एंड अपर केस डॉट एच टी एम एल से सेव करा दिए। सेव कराने के बाद जैसे इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पूरी पढ़ाई लिखा हुआ आ रहा है वो अपर केस में आ रहा है। अभी मुझे इसे अपर केस में नहीं करना है, अगर लोअर केस में करना है तो क्या करेंगे, टू लोअर केस का यूज़ करेंगे। ये आपके पास जो मेथड है टू लोअर केस मेथड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लोअर केस में स्ट्रिंग चाहिए। तो इसके बाद आप टू लोअर केस लगाना है बस यहाँ पर लोअर, और सारा आपका लोअर केस में चेंज हो जाएगा। इसे सेव करेंगे, जैसे इसे लोड करेंगे तो ये कुछ नहीं हुआ, क्यों? तो प्रॉब्लम हमने फिर से वही करी है कि हमने जो एल है वो बड़ा नहीं करा है, क्योंकि जो मेथड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा बड़ा रहता है, इसका भी फर्स्ट लेटर जो है बड़ा रहेगा, वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो हैं वो बड़े रहते हैं। कुछ रेयर केसेस हैं, जैसे कि हमने सब एस टी आर देखा था, सब स्ट्रिंग देखा था, ये रेयर केसेस हैं स्ट्रिंग में, मगर आपको सारे मेथड ऐसे ही मिलेंगे जिसका जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल से होगा, और जो सारे आपके वर्ड्स होंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर से होगा। इसको हम सेव करेंगे, अभी आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, सामने आपके रिज़ल्ट आएगा पूरी पढ़ाई। तो इस तरह से चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस और अपर केस स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको अपर केस एंड लोअर केस स्ट्रिंग मेथड समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, मीट मी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज़ वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज़ कमेंट लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।